विद्या भारती गूगल क्लास में आप सभी तृतीय के भैया बहनों का स्वागत। कक्षा तृतीय, विषय अपना संस्कृत, प्रकरण में अपना चतुर्थ पाठ है जिसके शब्द अर्थ हमने पहले किए थे। आज हमारा इस पाठ का होगा हिंदी अर्थ। पहले संस्कृत लिखा हुआ है, उसके बाद में इनका हिंदी अर्थ किया गया है। तो संस्कृत में पहले पढ़ते हैं, लता अम्ब बुभुक्षा भवति, शीघ्रं भोजनं परिवेशयतु। अम्ब माता जी बुभुक्षा भूखी भवति हूँ या होती है, शीघ्रं जल्दी, भोजनं भोजन को, परिवेशयतु परोशो। अर्थ क्या बना? लता कहती है, हे माता जी भूख लगी हुई है या बहुत भूखी हूँ, जल्दी से भोजन को परोशो। अगली संस्कृत लाइन क्या है ये पंक्ति में? पुत्री प्रथमं गणवेशं परिवर्तयतु, हस्तं प्रक्षालयतु, अनन्तरं स्थालिकां चषकं च स्वीकरोतु। पुत्री, हे पुत्री, प्रथमं सबसे पहले गणवेशं पोशाक को परिवर्तयतु बदलो, हस्तं हाथ को प्रक्षालयतु दबो, अनन्तरं इसके बाद स्थालिकां थाली को, चषकं गिलास को च और स्वीकरोतु स्वीकार करो। अर्थ क्या हुआ? अम्बा या माता जी कह रही है, हे पुत्री सबसे पहले पोशाक को बदलो, हाथ को धोबो, इसके बाद थाली और गिलास को लो या स्वीकार करो। लता अस्तु अम्ब, अस्तु यानी ठीक, अम्ब यानी माता जी, अर्थ हुआ ठीक है माता जी। संस्कृत में अम्बा, पुत्री जलम न स्वीकरोति किम, कथम भोजनम करोति। पुत्री यानी है पुत्री या बेटी, जलम यानी पानी को नहीं स्वीकृति स्वीकार करोगी, किम यानी क्या, कथम यानी कैसे, भोजनम यानी भोजन, करोति यानी कर रही हो या करती हो। तो अर्थ क्या हुआ? हे पुत्री क्या पानी को नहीं लेओगी, भोजन कैसे करोगी। लता क्या कहती है? बहु बुभुक्षा अस्ति अम्ब भवति एव ददातु, आ व्यंजनम कटु अस्ति, अहम् न खादामि, घृतम् परिवेशयतु। तो क्या हुआ? बहु यानी बहुत, बुभुक्षा यानी भूखी, अस्ति यानी हूँ, यह अम्ब यानी माता जी, भवति यानी आप, एव यानी ही, ददातु यानी दो, आ व्यंजनम यानी भोजन, कटु यानी कड़वा, अस्ति यानी है, अहम यानी मैं, न नहीं, खादामि यानी खाती हूँ या खा रही हूँ, घृतम यानी घी, परिवेशयतु यानी परोशो। अर्थ क्या हुआ? हे माता जी बहुत भूख लगी है, आप ही दो, भोजन कड़वा है, मैं नहीं खा सकती हूँ, घी को परोशो। इस प्रकार से अपना पाठ का हिंदी अर्थ आधा आधा इसके बाद में अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।